इंफॉर्मेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, जहां पर कुल 31 मंत्रियों ने आज राज्यपाल फागू चौहान के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। अब ऐसे में बात करेंगे बिहार कैबिनेट में शामिल हुए आरजेडी कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव की, जिनकी पहचान उनके दबंगई से है। इतना ही नहीं, ये वही सुरेंद्र यादव है जिन्होंने सदन में लाल कृष्ण आडवाणी के महिला आरक्षण के बिल को भी फाड़ दिया था। दरअसल राज्यपाल फागू चौहान ने मंगलवार को राजभवन में महागठबंधन की नीतीश सरकार के 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इनमें दबंग छवि वाले राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र यादव और जनता दल यूनाइटेड के जमा खान शामिल है। गया के बेलागंज से आज बार विधायक रहे सुरेंद्र यादव को लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी माना जाता है। साल 1998 की बात करें तो सांसद रहते हुए उन्होंने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ से महिला आरक्षण का बिल छीनकर फाड़ दिया था। सुरेंद्र यादव की छवि दबंग नेता की है, वो दबंग विधायक हैं। दो बार जनता दल और 5 बार आरजेडी से विधायक रहे सुरेंद्र यादव को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव तथा उनके बेटे एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। साल 1959 में किसान परिवार में जन्मे सुरेंद्र यादव साल 1981 में लालू यादव के संपर्क में आए। 1985 में लोक दल से जहानाबाद सीट पर लोकसभा का चुनाव हार गए। फिर 1990 में बेलागंज विधानसभा सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की। आपको बताया कि सुरेंद्र यादव साल 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार तब चर्चा में आए थे जब उन पर पूर्व विधायक जयकुमार पलित को पीटने का आरोप लगा था। वे साल 1998 में जहानाबाद लोकसभा सीट से 13 महीने सांसद भी रहे। सांसद रहते उन्होंने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों से महिला आरक्षण बिल छीनकर फाड़ दिया था। इस घटना के कारण उनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। विदित हो कि मंगलवार को राज्यपाल फागू चौहान ने महागठबंधन सरकार के कुल 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई। उनमें आरजेडी के 16, जदयू के 11, कांग्रेस के 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और निर्दलीय 1 शामिल है। इन्हीं में बेलागंज से आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव भी शामिल है। आरजेडी कोटे से बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है। आपको बताएं कि नीतीश सरकार की नई कैबिनेट में सुरेंद्र यादव का नाम शामिल हो चुका है। दबंग विधायक की छवि के रूप में उन्हें देखा जाता है। इतना ही नहीं, 13 महीने के लिए वो सांसद भी रहे हैं और उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से उनके हाथ से महिला आरक्षण का बिल भी छीन कर फाड़ दिया था। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।